नूरजहां ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे। नूरबानो को तो अंदाजा भी नहीं होता कि उसके इस तरह के फैसले के बाद उसके बाबा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। जब उसे अपने बाबा की मौत के बारे में मालूम होता है तो वो रोती हुई अपने बाबा के पास चली जाती है। मैंने अपनी मोहब्बत पाते पाते अपने बाप को ही खो दिया। आपकी आंखों में आधी दफा मेरे लिए इस हद तक नफरत मैंने कभी भी नहीं देखी थी। इस तरह आप मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? मेरा इस दुनिया में आपके अलावा था ही कौन? बाबा, मैंने आपसे बिना पूछे शादी करने का फैसला कर लिया। आपको कैसे तो मुझे खुद इस बात का यकीन नहीं आ रहा। इतना बड़ा फैसला मैं खुद से भी कर सकती हूँ। माफ कर दे बाबा। लेकिन तब उसे अंदाजा हो जाता है कि इसके बाबा की इस दुनिया से जाने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मुराद ही है। इस दिन के बाद वो फैसला कर लेती है कि जब तक वो नूरजहां और उसके घर वालों को वही अज़ियत नहीं पहुँचा लेती जो उसके बाबा और उसको दी गई है, वो किसी सूरत पर चैन से नहीं बैठेगी। नूरजहां से वो हर चीज का इंतकाम लेने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से उसके बाबा को तकलीफ पहुँची। उसके बाबा तो उसे बार बार बताने की कोशिश करते रहे कि नूरजहां एक फसादी औरत है, लेकिन नूरजहां जानबूझकर नूरबानो के सामने ऐसी मीठी बन जाती जिसका नूरबानो को भी इल्म नहीं था। नूरमा, मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकली? मुझे समझ आ रही है कि मेरे जहन में ये बात किसने डाली थी कि मैं मुराद से निकाह कर लूं। जानबूझकर ये जाल आपका बिछाया हुआ था ताकि आप माजी का बदला मेरे बाप से ले सकें। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है।